जिला गुरदासपुर के गन्ना उत्पादक किसानों को वड्डा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी वालों जिले दियां दो शुगर मिलां सहकारी खंड मिल बटाला और सहकारी शुगर मिल पनियाड़ विखे नवे शुगर प्लांट 3500 टीसीडी समर्था 5000 टीसीडी तक वधाउण योग समेत 14 मेगावाट को जनरेशन प्रोजैक्ट का नींह पत्थर कुछ ही समय बाद रखा जाएगा। इस मौके उप मुख्यमंत्री पंजाब सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा और कैबिनेट मंत्री सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी हाजिर होंगे। इस मौके जिथे डिप्टी मुख्यमंत्री रंधावा ने अपनी स्पीच विच विरोधी पार्टियां ते निशाने साधे और कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा दे हलके दे एक पिंड दे सरपंच समेत लोगों उत्ते भी विकास विच रुकावट पाउण दे बाजवा दे सामने ही निशाने साधे। उत्थे मुख्यमंत्री चन्नी ने अपनी स्पीच की शुरुआत विच हसा हसा के लोगों के ढिड्डी पीड़ां पाईआं। उत्थे भाजपा समेत दूसरी विरोधी पार्टियां नूं दो मुही सप कह के जनता नूं ऐसे सप्पां तों बचण लई कहा। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। सामने बैठे सारे पतवंत सज्जनों, सत्कारयोग लीडर साहिबान, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू खुशी है कि जे अज आपां बटाला शुगर मिल दी एक्सटेंशन दा नींह पत्थर रखिया है। इसकी कपैसिटी बढ़ रही है, नाल बिजली का यूनिट लगना है। बड़ी जरूरत थी इस इलाके ते खास तौर पर किसानी तो तगड़ा करने वास्ते ये लगना जरूरी। सो मैं बधाई देना तुम सारयां नूं, खास तौर पर साढ़े सहकारिता मंत्री रंधावा साहब ते तुहाडे अपने इलाके दे मंत्री तृप्त जिंदर सिंह बाजवा जी नूं। माझे वाले तुसीं बंदे वल्लों बड़े तगड़े दित्ते। जिद्दण दा होम मिनिस्टर बनाता इहनां नूं, कई मां दे पुत्तां नूं नींदां नहीं आउंदियां। कोटां 'च भज्जी फिरदे ऐ कि सानूं बचाओ। पहला काले काम कर लगे डरे नहीं, हुण जिद्दण ते हुकम मिनिस्टर बन गया उधर जो भजे फिरदे। पदीड़ियां पैणियां इन्हां लोकां दीआं, माड़े काम जिन्हां ने कीते। लेकिन मैं तुहाडे MLA और मंत्री साहब बाजवा साहब ते बड़ा प्रभावित है। मैं म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान हुंदा सी 95-97 दे विच, जद ये हरचरण सिंह बराड़ जी की मिनिस्ट्री दे विच डिप्टी मिनिस्टर बने सी। एजुकेशन महकमा सी इन्हां कोल। हरनेक सिंह नूं इहदे दोस्त हुंदे सी, साडा ओह MLA सी। उहनां दे नाल म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान MLA दे नाल आम तौर ते घूमदा हुंदा। मैं MC हो के उहनां दे नाल घूमदा सी, इहनां पास कई बार जाणा। मेरा गुआंढी इक ड्रैंग दा मास्टर सीगा, मैं ओहदी बदली ले के गया। मैं कहा जी इह कराली दे कोल लग्गिया होया, थोड़ा जिहा नेड़े कर दो 100 रुपया। इन्हां ने जदे सैन करते, थोड़े जिहे दिनां बाद मेरे पास फेर आ गया, कहिंदा होर नेड़े देसू मैं तेरे खाली हो गई जगह। मैं कहा चलो फेर चलदे आं, आपां तां लोकां दे कम्मां 'च घूमणा हुंदा सी। मैं इहनां वल फेर चले गया, इन्हां ने फेर सैन करते, देसू मैं तेरे आ गया। कुछ दिनों बाद खरण स्कूल अपग्रेड हो गया साडे महल्ले दे विच नेड़े ही। ओह कहिंदा जी स्कूल खैड़ वाला अपग्रेड हो गया, मेरी बदली उहदे कराओ। मैं इहनां नाल फेर चले गया। मैनूं कहिंदे जल मैनूं चन्नी नहीं सी कहिंदे, चरणजीत ही कहिंदे सी। कहिंदे चरणजीत नूं पुछ लै वी घरे दा स्कूल खोल दी। इह गल मैं अज ते कई लोकां नूं सुनाई कि इस करके भी कि तीन बार इन्होंने ओरी बदली करी नेड़े। मैं तो हुण MC कढ़दा हुंदा सी, पंची की चोण लड़दा सी। मैं जिहड़ी चोण जिहड़ा पंच लड़दा उहदे वास्ते उही चोण बहुत बड़ी हुंदी है, जिहड़ा सरपंच लड़दा उहदे वास्ते उही चोण बहुत बड़ी हुंदी है। मेरे वास्ते तां पंची दी चोण बहुत बड़ी सी।
अगली बारी मैं आस भी यार तीन बार बदली कराई है मेरे नाल घूमूंगा। तो हल्के की अकालिया की एम एल ए आई भी ओ घूम रहा गली दे जिदी तीन बार बदली कराई थी ना मैं अगले दिन घेर लिया। मैं क्या यार कल तू बीबी जी नाल घूमदा सी मैनू पता क्या कहना अगे से कहना तू ए कर मैं सी आई डी वास्ते छड़ दे मैं तेन सी आई डी दे कराऊंगा जिन्हें मदद नहीं करनी होंगी ए कर दे। मैं उन्हें क्या उल्टा नहीं कर सकते कहना क्या मैं क्या रह मेरे नाल सी आई डी उन्होंने भेजने इस करके मैं बहुत जगह गल सुनाई। सो मेरे पर बड़े आसान है सरदार तृप्त जिंदर सिंह बाजवा जी ने और इन्होंने मैं हमेशा बहुत प्यार दिता है चंकी सलाह दिखी है चंगे आगू है बहुत साड़ी नेड़ता है तो इलाके वास्ते जो कहे उ कुछ करने तैयार है। मैं इन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए साढ़े सड़क वास्ते दे दो 10 करोड़ रुपए तो सड़क वास्ते भेज देंगे 5 करोड़ पुल वास्ते क्या पुलों वास्ते तो 5 करोड़ पुलों भी भेजा। इस तो अलावा भी ये दो ऐसे बंदे है कि मेरे जो मर्जी करा रहे मैं तो यह कहना भी थोड़े मूहे खाण सीटिया तो माझे आए हो। मैं थोड़ी बेनती करना चाहना कि ऐसी जिस तरह के थोड़े जरनैल है इसे तरीके इस इलाके भी तगड़ा करना चाहते एरिए गुरु नानक साहब की धरती है चप्पे चप्पे दे उन्होंने चरण सुर प्राप्त है तुसी महाराजा रणजीत सिंह दे किसे टाइम बजुर्गों ने राज देखा होया ऐसी वारना मांगू नहीं कहना ऐसी वो जहा राज लेके आना चाहते एक नवी सोच के नवा पंजाब लेके आना चाहते। जे महाराजा रणजीत सिंह की बारे गल मशहूर है कि वह भेस बदल के किसी की पंड सिखा चले गए तो ऐसी भी चाहते हैं कि गरीबा मिडिल क्लास के लोगों दंडा जी उन्होंने सिर से धर दी ऐसी भी किसी गरीब के काम आ सकी। हूं मैं बिजली के बिल माफ किए 1500 करोड़ रुपया जेडे लोग अपनी बिजली के बिल दे नहीं सी सकते ऐसी भरे 3 रुपये बिजली सस्ती करती है बिजली दे बिल भरे है थोड़ी ट्यूबना दे बिल भरे है जी थोड़ी पिंडा की मोटर है उदे बिल बहुत ऊंचे हुए सी 1250 करोड़ रुपया भरे है जेडे नहीं भर सकते पुराने पानी दे बिल माफ करे है 160 रुपये तो 50 रुपये पर थोड़ा पानी लगे वास्ते बिल ले आंदा है। कई ओपोजिशन वाले कहते जी ये पैसा कितने दे आया उन्होंने हम इस करके ढिड दुखी जाता कि वंड क्यों रहे हैं लोगों का पैसा लोगों को दे रहे हैं थानू क्या तकलीफ है यार। और मैं फिर कह रहा कि खजाना हर साल भरना हर साल लटाना है और लोगों को देना है साढ़े पास स्कीम है साढ़े पास सोच है ऐसी नवी सोच लेके नवा पंजाब बसाना है ते ऐसे वधिया काम करने हैं कि बंदा जी चादर है उपर पैर चादर तो बाहर ना निकल जो टैक्स का बोझ है वो उस तो ज्यादा ना पवे हर वर्ग के लोगों राहत देनी है और दिती है नौजवानों नवे रोजगार नवी नौकरियां लेके आनी है लेकिन यह नहीं है कि पैसे लेके नौकरी देती या सिफारस के न ऐसी एक सलाह करिए आपस के कि होर जेड़ी मर्जी सिफारिश करा लो लेकिन नौकरी दे विच सिफारिश कोई नहीं ना पैसा चलन देना रेते का काम है तो 5.5 रुपये रेता करता 22 रुपये सीगा। मैनू कहते जी रेते के काम ना छेड़ो ये होना नहीं है मैं क्या होगा और ऐसी करिए हूं मैं केबल नेटवर्क नू हाथ पाना जेड़ा बादलों का चलता है बसा का काम तो कल नेड़े लगाता इन्हों का
बड़े बड़े शीशे वाली थाने खड़े देखो नजारा बड़ा आंदा है। तुसी दसो भाई यार थोड़े घर में सारा कुछ रह गया, ये बसा थोड़े घर गई बैठ गया, हजारा बसा बादलों दी कल्या गई, बई साढ़े नौजवान क्या करूंगे बी हूं उन्होंने परमिट कैंसल करे अपने मुंडिया को देने और उन्होंने मुंडिया को देवे पिंडा की अच्छी जरूरत है जेडे काम करना चाहते किसान के मुंडे या गरीबा के मुंडे, एक कले बादल का मुंडा ही रह गया सारिया बसा कराने मजीठिया हूं अभी देती अंदर करते परमिट बंद ते हुण इहदी आ केवल नैटवर्क जिहड़ा इन्हां ने 350 रुपया लगाने की तार बढ़नी है ये भी सैट करना काम जिहड़े पंजाब दे लोकां नूं जिन्हां ने लुटिया उन्हां नूं पतीलियां पैणियां हुण एक साफ सुथरा प्रशासन आना और आया है गरीब लोकां नूं मिडल क्लास दे लोकां नूं राहत मिली है ये बड़े एक होर अपन बड़ा बहम है कितने भी 10-15-20-25 एकड़ वाले अमीर होंगे 25 एकड़ वाले दे घर दे विच पूरा काम चलता नहीं है किसानी का यह हाल होगी 25 एकड़ वाले भी अमीर ना समझो अमीर है बादल होनी जिन्हों पास हजारा एकड़ जमीन है ये राजे महाराजे जिन्हों पास अंत नहीं पैसों का इन्हों का रिश्ता पैसा है इन्हों की जात बरादरी या धर्म इन्हों का रिश्ता नहीं है ए, अमीर है अलीट क्लास है एक उपर रजवाड़े जेड़े आपस दे विच उपर दे कठे है ते ओ ना रंधावे नूं खंगण दिंदे सी ना तृप्तबाज मेनू ना होरां नूं काम जिन्ना मर्जी ले लो साडा काम करो मूहरे होके लेकिन पावर तुहानूं नहीं देनी हुण निजाम बदल गया युग दा परिवर्तन हो रहा है आम लोकां कोल राज आ रहा है इसलिए इस राज नूं अगे वधाउणा है तुसी राज करो लोकां दा राज होवे लेकिन रजवाड़ा शाही या अमीरां दा आपसी उत्तर कांटो मेरी वारी को चढ़ गया एक बार वो चढ़ गया एक काम करो अगे नूं कट्ठे हो एकता करो ये पार्टीवाजियां दे चक्कर नूं छड्ड के धरेवाजियां नूं छड्ड के जिस तरह किसानी दा संघर्ष लड़िया असीं सरकार वल्लों पूरा खड़े विधानसभा दे विच बुला के कानून रद्द कीते पहला कानून बादलां ने बनाया किसानी दे खिलाफ उसी नूं बुनियाद मन के केंद्र सरकार ने बनाया और इन्हां ने नाड़ होके बनाया अकालियां ने जिहड़े कहिंदे ने असीं अस्तीफा देता अस्तीफा तां किसानां और मजदूरां ने उहदे घर चारे पासे जद रोक लिया ना नक विच दम आ गया नक चों टोके मुंह पैण लग गई पहला इन्हां ने पूरा जोर लाया पहला ये प्रेस कॉन्फ्रेंसा करते रहे कि जी कानून तो बहुत बढ़िया आ गए जब लोगों ने चलने नहीं दी तां अस्तीफा दिता आ केजरीवाल है पूरे आके दमगजे मारी जाते दिल्ली दे विच आही कानून उन्हें लागू करिया होया आही जिहड़ा जिहनूं आपां काले कानून कहिंदे जी नोटिफिकेशन दिल्ली दे विच 23 नवंबर नूं करी पिछली नूं लागू करिया वा हुण पंजाब विच वड़ना तां भाई पहलो नोटिफिकेशन रद्द करके आ ये लोग दो मुहे सप हर तरीके नाल भुलेखे पाउंदे आ सो मैनूं तां इह नहीं समझ आउंदी यार बाहर ते आके साडे पर राज क्यों करोगे दिल्ली दा मुख्यमंत्री साडे राज क्यों करे मुक्ति करना भी अपना राज साडे पंजाबी ऐसी पंजाबीयत है साडे विच पंजाब दे लोग राज करनगे इसलिए अजे साडा एक होर प्रोग्राम है असीं उत्थे जाना है मैं ज्यादा समा नहीं लैंदा लेकिन गन्ने की अज गल है गन्ने का भा असीं 50 रुपये बधाया साडी सरकार ने पहला बधाया लेकिन कोई सिस्टम नहीं सी तैयार करिया मेरे पास मिलने वाले आ गए कहे जी असीं तां 50 रुपये देवांगे नहीं किसान आए कहिंदे असीं तां मिलना चलानी है इन्हां नूं कहो मिलना चलावे ऐसी अपनी सरकार पर सहकारिता मंत्री जी बैठे है बाजवा साहब ऐसी कट्ठे होके 35 रुपए का वजन सरकार पर चक लिया टोटा 50 तो 15 रुपए मिलता रह गई लेकिन मैं ये कहा कि जे एक महीना या 10 दिन धरने लवा के ही बाद कहना कि जी अस 35 रुपये या 10-20 रुपये देते हैं वह क्या फायदा
पहले हिसाब बराबर करो, मिल चलनी चाहिए टाइम से, हम टाइम से मिला चलनगियां, गन्ना पीड़िया जाएगा, किसानी नु तगड़ा करांगे, क्योंकि किसानी दे विच मैनु पता किस तरह होंदा, किस तरीके दे नाल रात नु सारी रात डीकी जाओ पानी नु, जिन्हें नु खाड़ गिली होंदी है इन्हें नु नीचे बिजली चली जाती है, ये काम बंद करना है। ऐसी पानी थानू दिन विच पूरे समय सिर देना है, यही व्यवस्था करनी है, और सही पानी मिले, सही बीज मिले, सही भाव मिले, और खेती नू ऑर्गेनिक खेती वास्ते लेके जाना है। ये यूरिए ने गाड़ती हूं अपने जमीन भी गाड़ रहा सेहता, ये गल ऑर्गेनिक खेती पर लेके जानी। मैं मुख्य प्रधानमंत्री नू मिलिया, उन्होंने मैं कहा कि ऑर्गेनिक खेती दे MSP डिक्लेयर करो, और जेडे काले कानून इन्होंने कहा कि रद्द कर देंगे, अजय ऐलान होया रद्द नहीं हुई, सानू चकन्ने रहना पैना, नाल नाल MSP की गरंटी लेनी पैनी। ये MSP की गरंटी कली नहीं है, गरंटी ये लेनी कि साड़ी फसल चक्की जाऊगी, बहुत बड़ी साजिश है, सारे देश का MSP डिक्लेयर कर देंगे, सानू थोड़ा जा हिस्सा देंगे, कणक दा साड़ी कणक ही चक्की है नहीं पूरी, ये करना है कि साड़ी कणक दाणा दाणा केंद्र खरीदेगा, साढ़े झोना दाणा दाणा खरीदेगा, ये तय करवाना है। इस करके जो बड़े ये पिछे पता नहीं क्या षड्यंत्र है इन्हों का, ये साढ़े वास्ते चंगा नहीं सोचते, ये साढ़े वाले भी कई लगे हुए हैं, बधाई आज चले जाएंगे, धन्यवाद करते रहेंगे भी तुसी कानून वापस ले ले, यार दिते कि नहीं सी कारा धन्यवाद थोड़ा, एक तो सू 1.5 साल कुटते रहे बिना मतलब से, साढ़ा 700 बंदा मर गया, हूँ थोड़ा ही धन्यवाद कर जाइए, कारा धन्यवाद बई, नुकसान कराता पंजाब का नहीं कले पूरे देश का, नुकसान कराया किसानी का, नुकसान कराया सरकार का, लोगों का, 700 बंदे तो ज्यादा मर गया, उसका कौन भरपाई करेगा। लेकिन पंजाब सरकार चाहे कोई भी इस युद्ध के संघर्ष के किसान ने शहीदी प्राप्त की है, उन्होंने परिवार को नौकरी देगा, उन्होंने मुआवजा भी देगा, जेड़े फटड़ हुए उन्होंने भी मुआवजा दे रहे, ते पूरे पंजाब दे विच एक ऐसी इस संघर्ष के नाम से स्मारक बनावांगे ताकि संघर्ष सदी सदी भी याद रहे। तो थोड़ा बहुत धन्यवाद है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।